नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विद अस। आई कंप्लीटेड माय इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया हायत रीजेंसी चेन्नई। आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स एंड फ्यू स्टेप, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव लर्नड, व्हाट आर द डिपार्टमेंट आई हैव वर्कड, द वर्किंग आवर, the working environment, the stipend I used to get, and regarding the accommodation, I will clear all your doubts. So I've started my industrial training from food and beverage service and from the bar. देखिए, food and beverage service में बहुत सारे outlet होते हैं, जैसे कि bar होते हैं, banquet होता है, coffee shop होता है, IRD होता है, ये सब different रेस्टोरेंट होता है, ये सब डिफरेंट आउटलेट होते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस है। मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बॉस से स्टार्ट किया। आई वर्क फॉर द 2 मंथ्स। व्हाट आर द थिंग्स आई हैव लर्नड इन द बार? आई हैव लर्नड द डिफरेंट ब्रांड नेम्स ऑफ द लिक्योर्स। आई हैव लर्नड हाउ टू टेक द ऑर्डर ऑफ द बेवरेज ऑर्डर, हाउ टू टेक द फूड ऑर्डर। आई हैव लर्नड हाउ टू पंच फूड। I've learned how to make inventory, how to do the clearance, how to wipe the glass. See, wiping a glass is also an art, and we should learn how to do that. बहुत को देखिएगा, glass तो ले लेते हैं but उन्हें wipe करना नहीं आता। वो first year से second year से third year में आ जाता है but फिर भी उन्हें wipe करना नहीं आता। तो ये मत सोचिए कि आपको wipe करने मिल रहा है तो नहीं, ये सब मेरे से नहीं होगा। आप करिए उसे, उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई वर्क फॉर 2 मंथ्स एंड दीज आर द थिंग्स आई वर्क इन द बार एंड आई हैव लर्नड इन द बार। आफ्टर दैट आई हैव गॉन इन द बैंक्वेट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स आई हैव लर्नड इन द बैंक्वेट्स। देखिए, बैंक्वेट भी फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर आता है। तो बैंक्वेट में मैंने क्या सीखा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्वेट सेटअप। देखिए, अगर आपको बार में काम करना है या बैंक्वेट में काम करना है या फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम करना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फूड एंड बेवरेज सर्विस है, अगर बैंक्वेट में आप हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्वेट सेटअप सीख के रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत आगे ले जाएगा अगर आपको बैंक्वेट में काम करना है तो। मैंने लाइव काउंटर संभालता था। मैंने आई हैव लर्न हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू वाइप डिफरेंट प्लेट्स, कटलरीज, क्रॉकरीज, नैपकिन फोल्डिंग्स। These are things I've learned. I've learned how to make the different types of mocktails in the banquets, how to serve the starter. ये सब चीज मैंने सीखा अपने banquets में, कैसे busy time में कितना speed clearance करना है, कैसे pressure handle करना है, ये सब चीज मैंने अपने service में सीखा। After that, I've worked in the restaurant. मैंने रेस्टोरेंट में लाइव काउंटर ऑफ द डोसा, इंडियन मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट में मैंने काम किया। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा सीखा, कितने टाइप्स का डोसा वहाँ सर्व होता था चेन्नई में। मैं फ्यू डोसा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो जो मैंने सीखा है वहाँ, जैसे रावा डोसा हो गया, ऑनियन डोसा हो गया, घी डोसा हो गया, पूरी डोसा हुआ, ये सब टाइप का डोसा मैंने सीखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक प्रिपरेशन मैंने रेस्टोरेंट में रहकर सीखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुफे सेटअप मैंने सीखा है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस मैंने सीखा। ये सब चीज़ अपने ट्रेनिंग में आप सीख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैपकिन फोल्डिंग मैंने सीखा, कैसे स्मूथली काम करना प्रेशर में, कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, ये सब चीज़ अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैंने सीखा। ये सब चीज़ मैंने रेस्टोरेंट में सीखा मैं। तो ये आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट, मैंने बेकरी में काम किया है, बेकरी एंड पेस्ट्री में। मैंने वहाँ क्या सीखा? ये देखिए, कोल्ड किचन है। मैंने वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड सीखा। किस टाइप का क्या नाम है ब्रेड्स का? वाइट ब्रेड हुआ, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड्स। मैंने रेसिपी लिखता था, सेफ से पूछता था, सेफ मुझे ये रेसिपी बताइए, एक फॉर्मूला दे लोग देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से आप डालिए,
आपका डो रेडी हो जाएगा। देखिए कैसे कितना टेम्परेचर में बेक करना है, ये सब चीज़ आप नोट डाउन करिए। एक स्क्रिबलिंग पैड और एक पेन अपने साथ हमेशा ट्रेनिंग में रखिएगा, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको फ्यूचर में भी, क्योंकि ये रेसिपी आपका लिखा रहेगा, आपको बहुत काम आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बगेट्स, ब्रेड्स, क्रोजों, डोनट्स, ये सब चीज़ मैंने बेकरी पेस्ट्री में सीखा। लेयरिंग ऑफ केक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स मैंने सीखा, चीज़ केक कैसे होता है। उसके बाद मैंने इतने टाइप्स का आइसक्रीम नहीं देखा था जितने मैंने ट्रेनिंग में देखा, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक, हाउ टू लेयर, हाउ टू मेक अ रम बॉल, ये सब चीज़ मैंने अपने बेकरी पेस्ट्री में सीखा। हाउ टू मेक अ ब्लैक फॉरेस्ट केक, हाउ टू मेक अ वाइट फॉरेस्ट केक, ये सब चीज़ मैंने अपने बेकरी पेस्ट्री में सीखा और नोट डाउन करके मैं, यकीन मानिए मैं अभी तक रखा हूँ। और मुझे बहुत हेल्प मिलता है जब मैं अपने एग्ज़ाम देता हूँ या मैं इंटरव्यू देता हूँ, जब मेरे से पूछते हैं तो ये सब मैं चीज़ अपने ट्रेनिंग में सीखा तो मैं बता सकता हूँ। फिर मैंने अपने ट्रेनिंग में फ्रंट ऑफिस में काम किया, फ्रंट ऑफिस में मैं बेल बॉय का काम किया। एज अ बेल बॉय मैं गेस्ट का लगेज बेल डेस्क से उनके रूम तक ले जाता था, इन हिज और रूम, गेस्ट का रूम में जो रूम उन्हें स्कॉट किया जाता मिला जाता उनके रूम में मैं ले जाता था। आई वर्क फॉर वन मंथ्स, आई वर्क इन फूड एंड बेवरेज सर्विस फॉर द फोर मंथ्स एंड इन बेकरी एंड पेस्ट्री फॉर वन मंथ्स एंड आई हैव लर्न मेनी मोर थिंग्स इन माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब मैं आता हूँ स्टाइपेंड के ऊपर, मुझे कितने स्टाइपेंड मिलते थे। देखिए स्टाइपेंड तो कुछ ज़्यादा नहीं था, स्टाइपेंड सिर्फ 1000 था, बट स्टार्टिंग में पैसे के पीछे मत भागिए, रन बिहाइंड द नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना, यकीन मानिए पैसा आपके पीछे भागने का। एक बार आप नॉलेज गेन कर लीजिए, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, नॉलेज आपसे कभी नहीं छीना जाएगा। सब कोई आपका सब कुछ ले लेगा बट नॉलेज कोई नहीं ले पाएगा, और नॉलेज आपके पास रहेगा तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले फोकस करिए अपना नॉलेज गेन करने में, अपने सीनियर्स लोग से पूछिए, वो लोग ना नहीं बोलेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं कोई नहीं बताएगा। और हमेशा हर चीज़ जो आपको लगे सीखना चाहिए वो उनसे सीखिए, पूछिए ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। अब जब तक उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, आपको कोई नहीं बताने वाला। एकोमोडेशन, देखिए मुझे होटल की तरफ से एकोमोडेशन नहीं मिला था, बट हाँ हेल्प जरूर मिला था कि कौन सा एरिया में मुझे अपना एकोमोडेशन मिल सकता है। मैं होटल से 3 to 4 kilometers में मैं अपना एकोमोडेशन लिया था, आपको विद इन 5000 मिल जाएगा अगर आपको सिंगल रहना है तो। द वर्किंग एनवायरनमेंट, देखिए वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, अगर आप काम अच्छे से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप काम नहीं करेंगे तो देखिए प्रेशर आपका ऊपर आएगा ही, क्योंकि हर किसी का ऊपर कोई ना कोई सीनियर रहता है, जैसे सुपरवाइजर के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर रेस्टोरेंट मैनेजर, बार मैनेजर रहता है, सब एक दूसरे को प्रेशर के अंदर रहते हैं। तो देखिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको स्कोल्डिंग मिलेगी, तो आप प्रेशर हैंडल करना सीखिए, काम अच्छा से स्मूथली करिए, कोई नहीं आपको डांटेगा। देखिए वर्किंग आवर्स, मैंने फ्रंट ऑफिस, बेकरी, मैक्स टू मैक्स मैंने 10 hours, 11 hours काम किए हैं, बट हाँ फूड एंड बेवरेज सर्विस देखिए जानते हैं एंड किचन, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वर्क होता है, हॉट किचन में एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस में थोड़ा लंबा वर्क होता है, तो कभी कभी एक्सीड हो जाता है, 12 hours, 13 hours, 14 hours भी हो जाता है, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं है, मैक्सिमम 12 hours है। आप काम बहुत अच्छा सीखेंगे यकीन मानिए, अगर आपका सीखने का मोटिव रहा तो। अब जब तक आप नहीं पूछिएगा कोई नहीं आपको बताएगा, आप पूछिए, आप सीखिए, आप ग्रो करिए, नॉलेज के पीछे भागिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने अपना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया, होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आए और ये वीडियो आप सभी का हेल्प करें जिसे
इंडिया से ट्रेनिंग करना है और क्या चीज़ सीखना है, ये सब चीज़ मैंने ये वीडियो में बता दी है। और क्या मैंने सीखा, ये वीडियो देख के हो सके आपको कुछ सीख सकते हैं।